Sudipa ma'am, you can start. Yes. Good afternoon, everybody. This is Shudipa Ghosh. I'm the admin officer, WB SAX, currently retailed at PCMCH, Kolkata. Today's seminar topic is nutritional counseling on PLHIV, CLHIV, and ANC. Today's speaker is Dr. Prosenjit Saha. He's currently working at ART Center Medical College. He is the senior medical officer. He is also a resource person for healthcare professionals in various trainings and workshops in different forums since 1998. He has been working with various organizations in the field of community health, STD and HIV, sexual health, and drug use disorders for many years. He has been empaneled as Saksham Expert Master Trainer Global Fund Round 7, University of Calcutta. Now I will hand over the mic to sir so that he can enlighten us with his precious words. Thank you very much, sir. थैंक यू शुदीपा. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. सबको स्वागत है. आप सबका स्वागत है ये वेबिनार में. आज का टॉपिक जो है वो बोलता है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग अमंग पीएलएचआईवी सीएलएचआईवी एंड एएनसी. न्यूट्रिशन एंड एचआईवीएच, हमको न्यूट्रिशन के बारे में पता है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पीएलएचआईवी एंड सीएलएचआईवी के बारे में सोचते हैं, हम लोग भूल जाते हैं. हम लोग ज्यादा एआरटी के ऊपर एम्फोसिस करते हैं, हम लोग ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के ऊपर एम्फोसिस करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग भूल जाते हैं. वो भूलना नहीं चाहिए. मैल न्यूट्रिशन काफी कॉमन है पीएलएचआईवी सीएलएचआईवी में, एंड इसका कारण है काफी फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स है जो इसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है. ये जो मैल न्यूट्रिशन है ये एचआईवी का साथ एक अनहोली नेक्सस बनाता है, एक चक्र बनाता है, चक्रव्यूह बनाता है, विशियस साइकिल. उसमें कैसे बनता है ये चक्रव्यूह हम लोग देखें जरा. पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का न्यूट्रिशन बहुत पुअर होता है, बहुत खराब होता है, वजन घटता है, मसल भी वेस्टिंग होता है, उसका शरीर में न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम होता है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स विटामिन भी कम हो जाता है. इससे क्या हो जाता है, वो पेशेंट को धक्का मारता है, धकेल देता है. कहाँ पे धक्का मारता है, इम्पेयर इम्यून सिस्टम. उसका पेशेंट का जो इम्पेयर इम्यून सिस्टम होता है, उसको उसका जो शक्ति होता है इम्यूनिटी के लिए वो कम हो जाता है. और पेशेंट का, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, वो फाइट नहीं कर पाता है एचआईवी के साथ एंड अदर अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन का साथ, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो जाता है. अगर इम्यून सिस्टम खराब हो जाए क्या होता है, पेशेंट को बहुत वल्नरेबल हो जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उसका शरीर में शक्ति नहीं है, रोग प्रतिरोध का शक्ति नहीं है, और बार बार इन्फेक्शन होगा, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी होगा, और उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो टाइम है वो ज्यादा बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जो बीमारी 3-4 दिन में ठीक होता, जिसका इम्यून सिस्टम खराब हो उसका टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है 7-8 दिन, इसलिए उसका शरीर और भी खराब हो जाता है. और क्या होता है उसके साथ, उसका जो जो पेशेंट इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, उसका प्रोग्रेशन टू एड्स हो जाता है. जो बीमारी कम था वो ज्यादा एडवांस एचआईवी डिजीज में पहुंच जाते हैं. और ये जाके क्या करता है, जब पेशेंट को दूसरा बीमारी हो जाता है, ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन लेस बढ़ जाता है. इसके साथ उसका मैल अब्सॉर्प्शन होता है, शरीर का अंदर जो अंत्र है, जो इंटेस्टिन है, उधर से दवाई नहीं, दवाई या आपका खाना इम्यून सिस्टम के लिए अब्सॉर्प्शन नहीं होता है. पेशेंट को खाने का भूख नहीं लगता है, उसका फूड इंटेक भी कम हो जाता है, और वायरल रेप्लिकेशन भी होता है, डायरिया बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एचआईवी जो है एचआईवी एंटेरोपैथी में भी ले जा सकता है, इसलिए बहुत मुश्किल है. ये चक्रव्यूह चलता ही रहता है अगर हम लोग इसका इंटरवीन ना करें. हमारा उद्देश्य है उसको इंटरवीन करें, पेशेंट को सही करें एंड रोड टू हेल्थ में लाए पेशेंट को वापस.
इंपैक्ट ऑफ गुड न्यूट्रिशन इन विलेजर। हम सभी जानते हैं जो आदमी का न्यूट्रिशन अच्छा हो, वेल नरिश्ड हो, पेलेचेवी और सेलेचेवी जो भी हो, वो अगर स्वस्थ हो, न्यूट्रिशन सही हो, वो बहुत एक्टिव रहता है, उसका ऊर्जा बहुत होता है एंड प्रोडक्टिव भी होता है। वो खुद का काम खुद कर सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, वो नौकरी में जा सकता है, वो स्कूल जा सकता है, फैक्ट्री में काम कर सकता है। सो ही इज वेरी प्रोडक्टिव और शी इज वेरी प्रोडक्टिव। और क्या होता है इसके लिए, लेस इलनेस, उसका बीमारी होता नहीं बोलूंगा मैंने, लेकिन बहुत कम हो जाता है। अगर होता है तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। और जो वेल नरिश होता है उसका एपेटाइट, भूख भी अच्छा होता है, उसका स्टेबल वेट भी मेंटेन करता है वो। और ये सब होने से क्या होता है, पेशेंट का इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एसेंस ऑफ लाइफ बहुत खूबसूरत होता है। वो जिंदगी जिंदगी जैसे जी सकता है। ऐसे नहीं कि कोई एआरटी सेंटर का वो एक तो नंबर है, हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है। जो मेरा हमारा उद्देश्य है दैट ही शुड बी मेन स्ट्रीम, वो मूल स्रोत में वापस आ जाएगा। कॉजेज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन एचआईवी, क्या क्या कारण होता है अंडर न्यूट्रिशन में, इन एचआईवी इंफेक्शन में। पहले कारण जो देख रहे हैं हम लोग वो है चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि पेशेंट को एचआईवी एड्स है, उसका टिश्यूज या कोश बहुत ब्रेक डाउन होता है, जरूरत से ज्यादा ब्रेक डाउन होता है, इसी कारण उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। जो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है, नॉर्मल हेल्दी पीपल है, उससे उसका ऊर्जा या एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जिस पेशेंट को जो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट है, जो असिम्टोमेटिक है, जिसका स्टेज वन है, जिसका कोई बीमारी नहीं है, उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज करता है बाय 10%, 10%। वेयरएज इन द सिम्टोमेटिक फेज, जहां पे वो स्टेज वन नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, उसका ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहा है, उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है बाई 20 से 30%, यानी 20 to 30%। और क्या होता है, एक तो प्रो ऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल्स और एंटी ऑक्सीडेंट के साथ एक तो लड़ाई चलता है, और उससे क्या होता है, शरीर के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। इससे क्या होता है, हर वक्त फटीग महसूस होता है पेशेंट को, बॉडी एक होता है, इनसेंसिटिविटी टू साउंड होता है, ज्वाइंट पेन होता है, बहुत सारी मुश्किलें होते रहते हैं। कॉजेज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, रिड्यूस्ड फूड इनटेक है। पहले तो हम बोला था मेटाबॉलिज्म का चेंजेस होता है, अभी हम लोग बोल रहे हैं रिड्यूस्ड फूड इनटेक, खाना कम हो जाता है। क्यों होता है कम, क्योंकि खाने के लिए इच्छा तो है लेकिन खाना खा नहीं सकते। पेनफुल ओरल अल्सर्स है, आथस अल्सर्स है, अगर हर्पेटिक अल्सर्स भी हो सकते हैं, ओरल कैंडिडियसिस भी हो सकते हैं, खाना खा नहीं सकते, दर्द होता है मुंह में। इसके साथ और क्या होता है, माउथ एंड थ्रोट में इसोफेजियल कैंडिडियसिस, जिसके कारण डिस्फेजिया होता है, निगलने में बहुत मुश्किल होता है, ये तो ओडाइनोफेजिया होता है, निगलने में बहुत दर्द होता है। सो पेशेंट बोलता है हम नहीं खा पाते हैं, मुश्किल होता है, तो इसलिए हम खाना दे रहे हैं, पेशेंट का एपेटाइट भी ठीक है लेकिन खा नहीं पाते, क्योंकि उसका कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो चुका है। और एक बात है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। क्यों लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं क्यों लग रहा है एचआईवी इन्फेक्शन में, क्योंकि उसका साथ एसोसिएटेड फटीग है, वो बहुत मुश्किल हो गया, उसका मन खराब है, डिप्रेशन में खाने का इच्छा नहीं करता है, चेंजेस इन मेंटल स्टेट, उसको अच्छा खाने भी देने से उसका मन अच्छा नहीं लगता, फटीग जैसा महसूस होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, तो नेचुरली रिड्यूस फूड इनटेक तभी भी होगा। फूड इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी लीडिंग टू पुअर एक्सेस टू फूड। फूड इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी क्यों होता है, इसका कारण है फूड इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी इसलिए होता है, जिसका एडवांस एचआईवी डिजीज है वो काम पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बीमार है, अगर काम नहीं करेगा तो कैसे पैसा रोजगार करेगा, कैसे खाना खरीदेगा, कैसे फूड खरीदेगा, बहुत मुश्किल है। और जिस जो बच्चे लोग है सेल एचआईवी, काफी हम लोग देखते हैं उसका पेरेंट्स गुजर जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस, उसका जो एल्डरली केयर गिवर्स है, नानी दादी
चाचा जो भी है वो खाना जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। कोई कोई एनजीओ उसको सोशल सपोर्ट में देता है, नेचुरली उसको फूड सिक्योरिटी नहीं होता है। पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण फूड खरीद नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए उनको क्या होता है, उनको खाने का इच्छा तो है लेकिन खाना नहीं है घर में, कैसे खाएंगे वो, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिस यानी कि टीबी हो सकता है जहां पे खाने का इच्छा चला जाता है, डायरिया हो सकता है, खाना तो है लेकिन मल एब्जॉर्प्शन है। अगर पेशेंट आगे बढ़ चुका है बहुत कारण का भी ये डायरिया हो सकता है, क्योंकि पेशेंट अगर एडवांस एचआईवी डिजीज है उसका बहुत कारण होता है डायरिया के लिए, और पैरासाइट्स होता है, और एचआईवी एंटेरोपैथी में उसका भी कारण है एचआईवी, तभी भी खाना रिड्यूस इंटेक हो जाएगा। और कुछ मेडिकेशंस है जैसे कि उसको मथली लगेगा, वो भी लगेगा, खाने की इच्छा नहीं लगेगा, ऑल्टर टेस्ट इन द माउथ, टेस्ट बदल जाएगा, डायरिया, वॉमिटिंग सब कुछ हो सकता है। आप सोचिए कोई एंटीबायोटिक अगर एआरटी पहले शुरू करो तभी भी हो सकता है, मेट्रोनिडाजोल अगर खाना खाए तो ऐसे भी हो सकता है। तो काफी सारे चीज है जो मुश्किल करते हैं। कॉजेज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन एचआईवी, पहले हम लोग बोला कि खाने का दिल नहीं है, अभी क्या है अब्सॉर्प्शन नहीं है, खाना दे रहे हैं इच्छा भी है लेकिन अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। क्यों अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन और एचआईवी इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शन अब्सॉर्प्शन करने के लिए मुश्किल कर देता है। जीआई ट्रैक अंतर से अब्सॉर्प्शन नहीं होता, वो अगर शरीर में नहीं जाए, एब्जॉर्प्शन ना हो तो शरीर में कैसे आएगा, कैसे ब्लड में जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए बहुत मुश्किल है। और डायरिया अगर चलता ही रहता है तो और भी, तो क्या होता है और भी मुश्किल हो जाता है, पानी शरीर से चला जाता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, अननूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स है मैक्रो एंड माइक्रो सब शरीर से निकल जाता है। पहले भी बोल चुके हैं मेडिकेशन ऑल्सो अफेक्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। Causes of undernutrition, changes in body composition. In case of PLHIV, क्या होता है? Body composition change हो जाता है। कैसे होता है? Normally, fat demand के लिए, हमारा energy demand के लिए fat को तोड़ा जाता है, fat को broken down किया जाता है। लेकिन in HIV AIDS में patient को protein को rather उसको ब्रेक डाउन होता है, ब्रोकन प्रोटीन से ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन करते हैं उसको, तोड़ते हैं, उससे एनर्जी मिलता है, और इसी कारण इसी वस्तु फैट शरीर में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और तब भी हम लोग को देखने को मिलता है कि बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। फेजेस ऑफ न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, ये जो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस है ये एक तो चार सीरी है और चार धाप है, चार स्टेज है। क्या क्या चार स्टेज है हम एक एक करके आपसे आलोचना करें। एक है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट मतलब हम उसका कुछ जांच पड़ताल करेंगे, कुछ मेजरमेंट करेंगे, कुछ मेजरमेंट करेंगे, कुछ जांच पड़ताल करेंगे, तब पता चलेगा, सब रिपोर्ट मिलेगा, उसका कुछ रिपोर्ट मिलेगा, मेजरमेंट का कुछ अंत में कुछ रिपोर्ट आएगा, वो सब देखकर हमने हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में बाद में बोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, उसी को कहा जाता है न्यूट्रिशन डायग्नोसिस। जब हम जांच पड़ताल किया, मेजरमेंट्स किया, तब हमको पता चलेगा क्या क्या है, उस तो सब एनालिसिस करेंगे, कंपाइल करेंगे, तब हम न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस में आएंगे, पेशेंट का ओवरवेट है या नॉर्मल हेल्दी वेट है, और यानी पेशेंट अंडरवेट है, अंडर न्यूट्रिशन। अगर वो अंडर न्यूट्रिशन है या ओवर न्यूट्रिशन है, तब हम लोग पेशेंट को सही तरीका से कुछ करना पड़ेगा, पेशेंट को छोड़ नहीं सकते ना उस जगह में, नहीं तो पेशेंट और भी बीमार पड़ जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा, हम लोग पेशेंट को खो नहीं सकते ना, हमारा उद्देश्य है पेशेंट को सही करना। तो क्या होगा, हम लोग तुरंत ही न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करेंगे। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन मतलब हम लोग तुरंत उसका जगह को रोक देंगे, आगे ना बढ़ पाए, पेशेंट का जो शरीर खराब है, न्यूट्रिशन जो मुश्किलें हैं पेशेंट को, वो आगे ना बढ़ पाए।
हमारा उद्देश्य है हमारा कि उसका न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करे, बीच में रोक दे हमको, और उसी रोकने का बात है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में। तो कैसे करेंगे ये भी हम बताएंगे। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करने के बाद हमारा उद्देश्य है पेशेंट को मॉनिटर एंड इवेल्युएट करेंगे। ये क्या होता है, इसका मतलब है हम जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के, हम जो ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट बताया पेशेंट को या केयर गिवर्स को, हम लोग जानकारी का चेष्टा करेंगे पेशेंट इफेक्टिव कितना हुआ, हमारा जो इंटरवेंशन हुआ हाउ इफेक्टिव इट इज, वेदर पेशेंट का शरीर ठीक हो रहा है या नहीं, पेशेंट को जो बताए थे वो सही सुन रहा है या नहीं, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग जो केयर गिवर है पीले चेगी वो सुनता है या नहीं है, वो मान के चलता है या नहीं है, जैसे खाना बोला था वो कर रहा है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम इंटरवीन करेंगे लेकिन जब मॉनिटर एंड इवेल्यूएशन करेंगे कुछ असर नहीं होगा। सो ये भी बहुत जरूरी है। सो चारों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट ये क्यों है, क्योंकि ये हमको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड काउंसलिंग में सहायता करता है। अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे, जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हमको इंटरवीन करना है, अगर उसका मुश्किल है, और उसी का वास्ते, उसी का साथ साथ इन कनेक्शन टू इट हम लोग उसको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी करेंगे। बड़े बड़े जो पीले चेक अडाल्ट को काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि पेशेंट को खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का जिम्मेदारी खुद को लेना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, लेकिन जिम्मेदारी खुद को लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसका साथ हमको याद रखना है चार टूल्स है, चार अस्त्र है, हम ऐसे बोलेंगे, टूल्स यानी अस्त्र फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट इंक्लूड्स। सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए हमको चार अस्त्र है। चार अस्त्र क्या क्या है, ए बी सी एंड डी, इजी है याद रखना। ए में है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, या क्या है, हम कुछ जांच पड़ताल करेंगे। बी है बायोकेमिकल असेसमेंट, हम लोग बायोकेमिकल असेसमेंट करेंगे, हम बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट सी है क्लिनिकल असेसमेंट, डी है डायटरी असेसमेंट। सो ए बी सी डी हम दोबारा दोहराए, ए इज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, बी इज बायोकेमिकल असेसमेंट, सी इज क्लिनिकल असेसमेंट, डी इज डायटरी असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स कैसे हम लोग करते हैं, हम लोग बॉडी वेट देखते हैं। बॉडी वेट मतलब हम लोग फैट, सबका वजन तो होता है, फैट एंड मसल्स तो ज्यादा देखते हैं, बॉडी वेट देखना बहुत आसान है एंड वेरी इजी ऑल्सो। नेक्स्ट इज हम लोग हाइट देखते हैं। हाइट कैसे देखते हैं, बाय यूजिंग ए स्टेडियोमीटर। हाइट मतलब खड़ा होकर 2 इयर्स का अबव जो है वो स्टेडियोमीटर से हम लोग हाइट देखते हैं। 2 इयर्स के नीचे हम लोग लेंथ देखते हैं इन्फेंटोमीटर। जो बड़ा आदमी है, जो पहले से ही है, जो बच्चा नहीं है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्लासिफाई कैसे करें? सो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एचआईवी इन्फेक्टेड अडल्ट्स, एक तो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन, वो किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स किसे कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स को किसी को कहा जाता है, यानी बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, मतलब बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एक बार दोहराए वो क्या क्या है, बिलो 16 है उसको डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन में सीवियर थिननेस बोला जाता है, 16 to 16.99 है तो उसको मॉडरेट थिननेस बोला जाता है, 17 to 18.49 है वो माइल्ड थिननेस है, 18.50 है उसे कहा जाता है अंडरवेट, 18.50 to 24.99 उसे बोला जाता है हेल्दी वेट। दिस इज द हेल्दी बीएमआई, 18.50 to 24.99 इज द हेल्दी बीएमआई, अबव 25 इज ओवरवेट, 25 to 29.9 is grade 1 obesity or overweight, 30 to 39.99 उसे बोला जाता है grade 2 obesity or obesity, above 40 is grade 3 obesity or morbid obesity. पहले बात टूल्स फॉर न्यूट्रिशनल
असेसमेंट। पहला ए तो चला गया, हम लोग बात किया, ए इज एंथ्रोपोमेट्रिक, तो अभी बी आया, बी इज बायोकेमिकल असेसमेंट। बायोकेमिकल असेसमेंट मतलब हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे शरीर में, कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दैट इंक्लूड्स लेबोरेटरी मेजरमेंट्स, जैसे कि हम लोग एनेमिया देख सकते हैं, हेमोग्लोबिन देख सकते हैं, हम लोग एल्बुमिन देख सकते हैं, हम लोग विटामिन देख सकते हैं, हम लोग कैल्शियम देख सकते हैं। सो दिस इज बायोकेमिकल असेसमेंट, लैब में जो होता है। क्लिनिकल असेसमेंट मतलब हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को जांच पड़ताल करेंगे, क्लिनिकली देखेंगे उसका मुश्किल क्या है, सुनेंगे उसका कष्ट क्या है वो हमें बताएगा, उसको फिर क्लिनिकली जांच पड़ताल करेंगे, उसका करंट कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है या नहीं वो भी देखेंगे, मेडिकल कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे, सब किसके अंदर अंडर आते हैं, सेफ फॉर क्लिनिकल असेसमेंट। नेक्स्ट इज डायटरी असेसमेंट। डायटरी असेसमेंट मतलब इट इंक्लूड टाइप, कैसा खाना खाते हैं पेशेंट, फ्रीक्वेंसी कितना बार वो खाता है, अमाउंट ऑफ फूड ईटन कितना अमाउंट खाता है, उसका भूख सही लगता है नहीं लगता है, फूड हैबिट एंड ईटिंग बिहेवियर्स, ये सब डायटरी असेसमेंट का अंडर में आता है। क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट जैसे हम बोला, पेशेंट से हम लोग बातचीत करके पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद हमको क्लिनिकल असेसमेंट में एनालिसिस होता है। तो क्लिनिकल असेसमेंट में जो महत्वपूर्ण है, जो हम लोग देखना चाहिए वो है, हिस्ट्री तो जरूर लेंगे, हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया। पेशेंट को तो हम लोग क्लिनिकली तो नहीं देख सकते, उसको डिस्फेजिया यानी निगलने में मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग ओरल थ्रस्ट देखेंगे, ओरल अल्सर्स है तो ओरल अल्सर्स है, ओरल कैंडिडिएसिस है, तो हम लोग को पता चल भी सकता है, और वो पेशेंट बोलेगा मुझे डिस खाने में मुश्किल है, निगलने में मुश्किल है, तो ये हमको जानकारी हो जाएगा। मुंह का अंदर हम लोग देखेंगे ओरल थ्रश, एब्सस अल्सर्स, हर्पेटिक अल्सर्स कुछ है या नहीं। बोला जाता है इफ यू डू नॉट एग्जामिन द ओरल कैविटी इन एचआईवी पेशेंट्स इट्स इनकम्प्लीट, सो हम लोग को सबको ओरल कैविटी एक बार देखना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेशेंट का फीवर है या नहीं, कब से है उसके हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का एनीमिया है या नहीं हम लोग देखेंगे, पैलर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग विटामिन बी डिफिशियंसी देखेंगे, हम लोग एंगुलर चिलाइटिस देखेंगे विटामिन बी डिफिशियंसी, हम लोग देखेंगे आई में देखेंगे अगर कुछ उसका आपका क्या बोलते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी है नहीं आई एग्जामिनेशन के बाद, सो वी कैन सी विटामिन बी12 के लिए हम लोग देख सकते हैं, नकल्स इज डार्क एंड हाइपरपिगमेंटेशन है नहीं, वो सब हम लोग देख सकते हैं, और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन हम लोग जरूर देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट या स्पेशली महत्वपूर्ण है ट्यूबरकुलोसिस, हम लोग को पता है हमारा देश में टीबी इज द मोस्ट कॉमन ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। डायटरी असेसमेंट, हम लोग क्या खाते हैं, कितने अमाउंट में खाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट 24 आवर रिकॉल, लास्ट 24 घंटा में, लास्ट एक दिन में हम लोग क्या खाए थे, क्या क्या खाए थे, कितना फ्रिक्वेंसी में, कितने अमाउंट में, वो भी हम लोग बता सकते हैं। और एक चीज है फूड फ्रिक्वेंसी चेकलिस्ट, या क्या होती है फूड फ्रिक्वेंसी चेकलिस्ट, ये है एक तो डेफिनेट, एक तो फाइनाइट लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, मतलब हम लोग जो पानी पानी या तरल कुछ खाते हैं, लिक्विड खाते हैं, एंड जो भी खाना खाते हैं उसका फाइनाइट, एकदम अंत है उसका, इनफाइनाइट नहीं है, उसका लिस्ट बनाते हैं, और एक तो टिक मार्क का जगह होता है, पेशेंट लिखेंगे हम कितना खाना खाया, कब कब खाया, कितना अमाउंट में खाया, कैसे खाया, सब उसमें होता है, उससे भी पता चलता है उसका डायटरी असेसमेंट के बारे में। अभी आ गया है न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस में। न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस आने के लिए हम लोग क्या बोला, पहले जांच पड़ताल करेंगे, कैसे जांच पड़ताल करेंगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट डेटा हम लोग बहुत नापा, पेशेंट को मेजरमेंट्स लिया, हाइट देखा, वेट देखा, बीएमआई देखा, हम लोग बहुत कुछ किया, फिर हम लोग कहाँ पे आया, डायग्नोसिस में। अगर पेशेंट का वजन घट गया या पेशेंट का वजन बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है अनडिजायरेबल वेट गेन, पेशेंट का वजन बढ़ गया, तो हम लोग को तो डायग्नोसिस हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग एनालिसिस किया, किससे एनालिसिस किया, और न्यूट्रिशनल डेटा को हम लोग एनालाइज किया, तो जब डायग्नोसिस में हम लोग आ पहुंच चुके हैं, तो हम लोग सही अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन देंगे,
ऐसे नहीं जो भी उठा लेंगे सबके लिए एक चीज नहीं होगा, वन साइज साइज फिट ऑल ऐसे नहीं होने वाला है, वन साइज फिट ऑल नहीं होगा। जिसके लिए जो इंटरवेंशन वही हमको देना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पेशेंट सही रास्ता में फिर से वापस आ जाए। तो हमको याद रखना होगा, हमको मतलब सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर सबको यह बात याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आ चुके हैं हम लोग न्यूट्रिशन इंटरवेंशन में, जो हम लोग करेंगे। हमारा उद्देश्य है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन का गोल्स क्या है, टू ऑप्टिमाइज ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस। मतलब हमारा उद्देश्य है पेशेंट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन तो करेंगे क्योंकि ओवरऑल उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो जाए। उसका न्यूट्रिशन अच्छा होने से उसका बीमारी भी कम होगा, पेशेंट खुद काम कर सकता है, और एम्पावर करेंगे PLHAV को, छोटा बच्चा होने से उसका केयर गिवर्स को, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर ओन हेल्थ। जैसे कि हम बोल रहे थे न्यूट्रिशन काउंसलिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जैसे ही इंटरवेंशन करेंगे, कौन रास्ता पे जाना है हम लोग बोलेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, ये बात भी सही है। उसके साथ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग भी इतना भी जबरदस्त तरीका है पेशेंट को या केयर गिवर्स को समझाएंगे बुझाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हम लोग क्या करेंगे मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में, हम लोग पेशेंट जब जब एआरटी सेंटर शेड्यूल विजिट में आएंगे आएंगे तो हम लोग उसका उसको हम देखेंगे, उसका सब नाप देखेंगे, उसका सब मेजरमेंट्स करेंगे। हम लोग देखेंगे मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं, अगर ओवरवेट था कम रहा है या नहीं, उसका प्रीवियस जो स्टेटस था न्यूट्रिशनल स्टेटस, अब का प्रेजेंट स्टेटस कैसे है, कुछ अंतर है या नहीं, इज देयर एनी डिफरेंस, और वो सही रास्ता में चल रहा है या नहीं। और हम लोग हर वक्त कंपेयर करेंगे विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, और हमारा गोल फिर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हमको बताएंगे इस उम्र में, इस वेट में, इस हाइट में ऐसा ही होना है। और प्रीवियस वेट से भी हम पता चलेगा हमारा जो इंटरवेंशन का रास्ता जो हम बताए थे वो पेशेंट या केयर गिवर फॉलो कर रहा है नहीं। सो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का बिना पूरा जो हम लोग जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होता, ये असंपूर्ण रह जाता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन HIV पेशेंट, ये जो है यह ऊर्जा का कितना नीड होता है, कितना चाहत होता है। ड्यूरिंग द असिम्टोमेटिक फेज एनर्जी नीड्स और ऊर्जा का रिक्वायरमेंट है और 10% ओवर रिक्वायर्स फॉर हेल्दी पीपल होता है, ये हम लोग बता चुके हैं पहले। और जिसके एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं कब, 20-30% 20-30% बढ़ जाते हैं, कब बढ़ जाता है, जब वो सिम्टोमेटिक होता है, वो स्टेज वन नहीं रहता है या वो एडवांस डिजीज का तरफ भागते रहते हैं, तब हम उसका शरीर में ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाता है, तब उसका नीड बढ़ जाता है। हम लोग कभी आलोचना किया थोड़ा देर पहले, जब उसका शरीर में ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाता है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बढ़ते रहता है, तो नेचुरली उसका शरीर का रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ता रहता है। ये लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी सही है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट PLHIV और non-HIV इन्फेक्टेड में मोटा मोटी सेम ही है। द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर PLHIV आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज नॉट इन्फेक्टेड विद HIV, दैट इज 1 ग्राम पर kg पर डे। हम लोग वो देंगे तो चल जाएगा, हमको जानना पड़ेगा कहाँ से हम लोग प्रोटीन देते हैं। हम लोग चेष्टा करेंगे पेशेंट जो खाता है उसी के अंदर से उसका खाने का हिसाब बनाए, उसका खाने का जो वो खाना खाते उसे को उसको समझाए, काउंसलिंग करे, वही खाना खाए। कोई वेजिटेरियन है उसको कदापि नहीं बोलेंगे आप एग्स और आप मीट खाओ, नहीं बोलना चाहिए, एक गलत बात होगी। और जो नॉन वेजिटेरियन है उसको हम बोलेंगे आप वेज के साथ नॉन वेज भी खा सकते हो, क्योंकि उसके लिए जो पॉसिबल है चीप होना चाहिए, कल्चरली वो एक्सेप्टेबल है, रिलीजियसली वो एक्सेप्टेबल है, तो वही खाना हम लोग परोसेंगे, वैसे काउंसलिंग करेंगे हम लोग। यानी कम अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो चीप भी है, एग्स है, एग है, अंडा है, मिल्क है, बेसन है, सोयाबीन, वो न्यूट्रेला नगेट्स भी मिलता है, न्यूट्रेला सोयाबीन का आटा भी मिलता है,
दाल है, मांस है, मछली है, एक्सेट्रा. फैट रिक्वायरमेंट, चर्बी कितना चाहिए शरीर में. बोला जाता है हमारा शरीर में 20 से 30% जो एनर्जी होगा वो हमको फैट प्रोवाइड करेंगे. ये बोला जाता है शुड बी प्रोवाइडेड बाय फैट. एटलीस्ट 50% ऑफ दैट फैट शुड कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल रिच इन एसेंशियल फैटी एसिड्स. जो फैट हम लोग यूज करेंगे उसमें वेजिटेबल ऑयल रिच इन फैट एसेंशियल फैटी एसिड होना जरूरी है. कॉमन सोर्स क्या क्या हम लोग फैट्स ले सकते हैं, हम लोग घी ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं और वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब हमें हमारा मिनरल्स बोल सकते हैं, विटामिन बोल सकते हैं. सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको खाना से मिलता है. अगर हम लोग फूड डाइवर्सिटी करें, हम लोग बहुत खाना अगर डिफरेंट डिफरेंट खाना खाए तो हम लोग को फूड डाइवर्सिटी होगा तो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए हमारा शरीर में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग ज्यादातर अलग अलग खाना नहीं खाते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं. इस हम लोग एनिमल सोर्स फूड खा सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ खा सकते हैं, कभी कभी ये हो नहीं पाता है. तब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेली डोज यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस हम लोग सप्लीमेंट कर सकते हैं. वो ICMR जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वहां पे लिखा है, देयर इज अ चार्ट दैट वुड हेल्प अस. सो रिकमेंडेड RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस हमको बता देंगे कि विटामिन एंड मिनरल्स कितना चाहिए, कितना हाउ मच टू बी सप्लीमेंटेड इफ द अवेलेबल डाइट्स आर नॉट बैलेंस्ड. सो हमको एक तो बैलेंस डाइट जरूरी है और एंटीऑक्सिडेंट के बारे में तुम लोग बता चुके हैं. डायटरी फाइबर रिक्वायरमेंट्स, डायटरी फाइबर्स शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बोलता है फाइबर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जरूर खाए. एंड स्पेशली जो हमारा पोर एपेटाइट है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल IBS है, उसके लिए फाइबर्स बहुत सुविधाजनक है, इसलिए फाइबर होना जरूरी है. लेकिन ऐसा भी नहीं है हम लोग फाइबर खाते रहे उसमें क्या होगा, हमारा पेट जल्दी भी भर जाएगा, तो ये भी हमारा ध्यान में रहना चाहिए. सोर्सेस क्या है, खीरा हो सकता है, एप्पल हो सकता है, गाजर हो सकता है, फ्लैक्स सीड यानी अलसी, हरे पत्ता वाला सब्जियां खा सकते हैं, एटसेट्रा. तरल का रिक्वायरमेंट, कितना फ्लूइड चाहिए हमारा शरीर में. बोला जाता है एक दिन में 8 to 10 glasses पर डे. आप लस्सी भी पी सकते हो 8 glass या पतला पानी डब वाटर जो भी पी सकते हो, लेकिन जो भी पियो सेफ वाटर होना चाहिए, वो बॉयल वाटर हो और फिल्टर टैप वाटर. सो हमारा उद्देश्य है फ्लूइड रिक्वायरमेंट हम अगर हम मीट करेंगे तो कैसे मीट करेंगे, 8 to 10 glasses पर डे. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए. ऊर्जा एडिशनली 350 किलो कैलोरी पर डे होना चाहिए अबव नॉर्मल, दैट इज एडिशनल. प्रोटीन एक्स्ट्रा 9.5 ग्राम इन सेकेंड ट्राइमेस्टर चाहिए एंड 22 ग्राम इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ये बढ़ जाता है. फैट चाहिए 30 ग्राम पर डे. आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, ये भी हमको चाहिए. आयरन कैल्शियम हम लोग सेकेंड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू कर सकते हैं, हम लोग पता है क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चल रहा है. और विटामिन सी इज वेरी गुड, इज यूजफुल, ये नेसेसरी है क्योंकि विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, लोहा के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण है. इंपॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में गुड न्यूट्रिशन क्यों दरकार है. बोला जाता है हम लोग सब जानते भी हैं अगर मम्मी मम्मी गुड नरिश्ड है, वेल नरिश्ड है, उसका बच्चा भी हेल्दी ही होगा. पुअर नरिश मदर का बच्चा बहुत सिक सिक होगा, इसलिए मम्मी को वेल नरिश्ड होगा तो बच्चा भी बहुत सुंदर सा बच्चा होगा, हेल्दी बेबी होगा. और ये भी हमको जानकारी होना चाहिए अगर मेटर्नल डाइट जब प्रेगनेंसी था मेटर्नल डाइट सही तरीके से नहीं था, खाना नहीं खा पा रहे थे, खाना मौजूद नहीं था घर में, तो डायरेक्टली फीटल ग्रोथ में असर पड़ता है. फीटल ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, बच्चे का साइज छोटा होता है,
यूट्राइन में बच्चा का वजन कम हो जाता है, हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न भी मुश्किल में आ जाता है, और बाद में क्या होता है, बहुत खराब आउटकम भी होता है, डेथ भी हो सकता है एंड प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकता है जब जब डिलीवरी का समय आए। और बोला जाता है इनएडिक्वेट डायरेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी, अर्ली इन्फेंसी में भी बच्चे को मुश्किल कर सकता है। सो गुड न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी में होना ही चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एयरटे सेंटर में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, उसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रिशनिस्ट तो भी है नहीं सेंटर्स में। अगर काउंसिलर्स हो, स्टाफ नर्स हो, अदर पैरामेडिकल पैरामेडिकल जो स्टाफ हो एंड डॉक्टर, दे शुड हार्प ऑन गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। डायटरी मैनेजमेंट, हम लोग बोलते हैं वेल बैलेंस डाइट इज एबल टू मीट ऑल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। अगर वेल बैलेंस डाइट होना तो बाहर का कोई सप्लीमेंट दरकार नहीं होता है। सो ये बैलेंस डाइट होना चाहिए, वो फूड डाइवर्सिटी होना चाहिए, हर तरीका का खाना जरूरी है, तब पेशेंट को, प्रेग्नेंट पेशेंट को बहुत अच्छा होगा। अवॉइड रिच, बहुत रिच खाना नहीं चाहिए, तला हुआ खाना नहीं चाहिए, बहुत स्पाइसी है ना, बहुत मसाला देके, बहुत झाल देके, मिर्ची देके खाना नहीं चाहिए। और स्ट्रॉन्गली फ्लेवर्ड फूड्स नहीं चाहिए, उससे मतली हो सकता है, खाने का इच्छा चला जा सकता है। एक बार में खाना नहीं खा सकते हम लोग, छोटा छोटा मील देंगे, 5-6 बार, 5-7 बार देंगे, स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स देंगे हम लोग। गुड क्वालिटी प्रोटीन देंगे, जो प्रोटीन शरीर में अब्सॉर्ब होगा, जैसे कि मिल्क, पनीर, एग, चिकन, एनिमल सोर्स फूड आर गुड क्वालिटी प्रोटीन। हम लोग होल ग्रेन्स देंगे, हम लोग पूरा ग्रेन देंगे, हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देंगे। हमको याद रहना जरूरी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, जो समझाएंगे पेशेंट को, पीएचआईवी को, क्या हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं देंगे, उसमें बहुत खराब होता है, ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आर मिसिंग एंड देयर आर प्रिजर्वेटिव्स। सो हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स नहीं देंगे, हम लोग एकदम होल ग्रेन्स देंगे, हम लोग अंकुरित पल्सेस देंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देंगे, तो इससे पेशेंट को बहुत फायदामंद होगा। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग बहुत बहुत वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देंगे, 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स भी देंगे, और उसमें रॉ एंड फ्रूट्स देंगे, वेजिटेबल्स देंगे फॉर विटामिन सी एंड फाइबर्स। और उसके साथ हम तो पहले भी दोहरा चुके हैं, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे, हम लोग पहले बोला 5 to 6 और 6 to 7 ग्लासेस, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हम लोग पिलाएंगे पेशेंट को। एंड इंश्योर रिच डाइट इन कैल्शियम, आयरन and take supplements as per national nutrition guidelines when needed. Requirements, nutritional requirements during lactation. जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब उसका भी जो nutritional need है वो भी बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? Energy needs जो है additional 600 kilocalorie per day, ये होता है पहले 6 महीना में। Energy needs नेक्स्ट 6 महीना यानी 6 से 12 मंथ्स में 520 किलो कैलोरी बढ़ जाता है। प्रोटीन बढ़ जाता है एडिशनल 70 ग्राम पर डे पहला 6 महीना में, और नेक्स्ट 6 महीना यानी 6 से 12 मंथ में एडिशनल 30 ग्राम पर डे बढ़ जाता है। उसके साथ हम लोग देंगे फैट देंगे, आयरन देंगे, कैल्शियम देंगे, आयरन देंगे, और आयरन हर वक्त हम लोग आयोडाइज सॉल्ट देंगे, उससे भी फर्क पड़ता है। विटामिन ए देंगे, विटामिन सी देंगे, फोलेट देंगे। डायटरी मैनेजमेंट, हम लोग कोई भी खाना रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, कोई भी खाना पेशेंट को या प्रेग्नेंट हो जो भी, हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, ईट फूड वाइजली, एकदम बैलेंस डाइट होना चाहिए, बुद्धि से खाना खाना चाहिए, क्या हमको क्या चाहिए, क्या हमारे शरीर के ऊपर कितना असर होगा, मेरा होने वाला बच्चे को कितना असर होगा, हम कितना जल्दी ठीक हो पाए। उल्टा सीधा खाना खाएंगे तो, जंक फूड खाएंगे तो मेरा शरीर में बहुत मुश्किल होगा और भी बीमारी बढ़ेगा, तो नेचुरली हम लोग वो फूड नहीं खाएंगे। सो हम लोग रेस्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन फ्रीडम तो जरूर है, लेकिन हमको याद भी रखना चाहिए हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। हम लोग इंक्रीज इंटेक ऑफ फ्रूट्स करेंगे, अवॉइड हाईली स्पाइसी एंड स्ट्रॉन्गली फ्लेवर्ड फूड करेंगे, नहीं होगा तो खाने का मन नहीं है तो हम लोग 5 to 7 मील पैटर्न फॉलो करेंगे, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएंगे। और एक बात है, जब
आपका जो पेश मम्मी मम्मी लोग का जो मदर्स ब्रेस्टफीडिंग देयर चिल्ड्रन, सम ऑफ देम यूज गैलेक्टोगॉक्स, इट इज जो मिल्क प्रोड्यूस प्रोडक्शन बढ़ाता है, ऐसा बोला जाता है. देयर इज नो एविडेंस बट बोला जाता है गैलेक्टोगॉक्स. उस वो अजवाइन है, मेथी सीड्स है, सौंठ है, तिल सीड्स है, एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ इन्फेंट फीडिंग. टाइप्स ऑफ इन्फेंट फीडिंग को हम लोग तीन भागों में भाग कर सकते हैं. एक है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. एक्सक्लूसिव मतलब ओनली ब्रेस्ट मीट फीडिंग टिल फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ. पहला 6 महीना में हम लोग कुछ नहीं देंगे पेशेंट को, खाली माँ का दूध. नो एनिमल मिल्क, नो टिन फूड, नथिंग, नॉट इवन वाटर, पानी में ही नहीं देंगे. लेकिन अगर डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब किया, कुछ मिनरल्स दो, कुछ वैक्सीन दो, मेडिसिन दो, सिरप दो, वो दे सकते हैं. वो उसको हम लोग नजरअंदाज कर देंगे, खाली ब्रेस्ट मिल्क देंगे. और एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग मतलब नो ब्रेस्ट मिल्क, नो ब्रेस्ट मिल्क एट ऑल. एक्सक्यूज मी, हम लोग खाली एनिमल फूड दे सकते हैं, एनिमल मिल्क यानी टिन फूड दे सकते हैं. लेकिन वो बनाएगा हाइजीनिकली, उसके बारे में थोड़ा बात बोलेंगे. और फीड बाय बोल एंड स्पून, बॉटल फूडिंग फीडिंग नहीं अलाउ है. वी नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ बॉटल फीडिंग. और ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, अगर पहले 6 महीना में हम लोग ब्रेस्ट मिल्क का साथ हम लोग एनिमल या डेयरी मिल्क दिया प्लस इन्फेंट फॉर्मूला दिया पहला 6 महीना में, उसको बोलता है मिक्स फीडिंग, वो हम लोग को नहीं चाहिए. अभी करेंट नेशनल गाइडलाइन फॉर फीडिंग ऑफ एचआईवी एक्सपोज एंड इन्फेक्टेड इन्फेंट बिलो 6 months ऑफ एज में क्या बोला जाता है, वो बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि अगर मम्मी ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाया एचआईवी का डर के बारे में, तो बच्चा को और भी मुश्किल होगा, बच्चा को वजन नहीं बढ़ेगा, और भी दूसरा इन्फेक्शन है, बच्चा का डेवलपमेंट नहीं होगा, गुजर भी जा सकता है. इसलिए जो अभी जो गाइडलाइन है वो बोलता है बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ, लेकिन बच्चा को एक्टिव प्रोफाइलेक्स भी दो, जिसको जितना चाहिए, अगर 6 weeks या 12 weeks डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर ऑफ द इन्फेंट. एंड मम्मी को भी प्रॉपरली एक्टिव दो, मम्मी को भी प्रॉपरली एक्टिव दो, एक्टिव का अडेरेंस ठीक से करो, मम्मी को समझाओ बुझाओ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेस्ट फीडिंग देना ही है अंडर टू अम्ब्रेलाज, वन इज एक्टिव प्रोफाइलेक्सिस फॉर द बेबी एंड एक्टिव टू द मदर्स. अगर कोई कोई मदर पहले भटक गया हो, वो मिक्स फीडिंग कर लिया, समझे नहीं थे, सोचे थे ठीक है हम थोड़ा सा पिला दिया, घर वालों बोला तो बोला मत पिलाओ, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का ये, काउंसलर्स का, डॉक्टर का ये जिम्मेवारी है उसको समझाना, मोटिवेट करना कि तुम वापस लौट आओ, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करना है, तुम्हारा बच्चा सही रहेगा. यार बच्चा, दोनों बच्चा को प्रोफाइलेक्सिस मिलेगा, माँ एक्टिव में है, कुछ मुश्किल नहीं होगा. लेकिन कभी कभी एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग पॉसिबल नहीं होता. क्यों? क्योंकि मेटरनल डेथ, माम गुजर सकती है, सिकनेस हो जाता, हो सकता है मम्मी का, जुड़वा बच्चा हो सकता है, तब क्या करेगा, मम्मी को तो पिलाना ही पड़ता ना तब. लेकिन हम लोग को वो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जिम्मेवारी है, समझाना पड़ेगा. ठीक है, कुछ तो मदर्स मिल्क पिया बच्चा, कुछ तो मदर्स मिल्क पी रहा है बच्चा, और अगर आप एआरटी ठीक से खाओ तब आपका क्या होगा, वायरल लोड सप्रेस्ड होगा. वायरल लोड सप्रेस होने से हम लोग को क्या होगा, हम लोग को मिलेगा अनडिटेक्टेबल वायरल लोड. सो हम लोग को सभी को पता है यू इक्वल टू यू, यानी अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माँ अच्छा से एआरटी खाएगा, वायरल लोड सप्रेस होगा. जो सप्रेस वायरल लोड, कभी ये बोला जाता है प्रैक्टिकली वो बच्चा में नहीं जाएगा. सो यू इक्वल टू यू. और ये जो बोला है पहले 6 मंथ तक तो खाएगा, उसका 6 मंथ के बाद हम लोग बच्चा को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यूज करेंगे, शुरुआत करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, लेकिन उसका साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी जारी जारी रहेंगे. वो गाइडलाइन और क्या बोलता है, हम लोग तभी बंद करेंगे ब्रेस्ट मिल्क, वो माँ का ऊपर छोड़ेंगे, जब बच्चा सही तरीके से बाहर का खाना खा रहा है और न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक हो रहा है. अचानक हम नहीं बोलेंगे 6 महीना हो गया छोड़ दो ना, बच्चे का स्टेटस देखेंगे न्यूट्रिशनल, बच्चे माँ को देखेंगे, माँ सोचेंगे तो हम 12 महीना तक खिलाएंगे पिलाएंगे,
जरूर पिलाने दीजिए माँ को, खाली देखना चाहिए एआरटी एडमिशन सही है। अगर जनरल पॉपुलेशन में कभी कभी लोग 24 मंथ खिलाते हैं, 2 ईयर्स, तो पिलाने दीजिए मम्मी को, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एआरटी एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चाहिए सबकस वायरल लोड यानी यू इक्वल टू यू। और एक बात इसमें ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई मम्मी बोले कोई भी मुश्किल हो गया, वो मुश्किल पेशेंट को बहुत मम्मी को सिकनेस आ गया, मास्टाइटिस हो गया, जो भी हो, या और लेकिन मम्मी को खुद का हो रहा है, डर गई मम्मी, नहीं हम बाहर का दूध, मम्मी का दूध, हम अपना दूध नहीं पिलाएंगे बच्चा को, क्योंकि उससे बच्चा में एचआईवी फैल सकता है, इतना समझाने बुझाने के बाद भी, काउंसिल के बाद, मम्मी का राइट है, उसका अपना चॉइस है, मदर्स चॉइस, इंडिविजुअल मदर्स चॉइस। वो बोलेगी कि हम खुद पिलाएंगे बाहर का दूध, तो पिलाने दीजिए, लेकिन क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबल, फीजिबल, एक्सेप्टेबल, सेफ एंड सस्टेनेबल, ये सब क्राइटेरिया मीट करेगा तभी हम लोग इसमें जा सकते हैं। मम्मी को हम लोग समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो गाइडलाइन बोलता है, मोटिवेट द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। एडवांटेज क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, मदर एडवांटेज ब्रेस्ट फीडिंग का है, न्यूट्रिशनल टेलर में बच्चे का दूध, मम्मी का दूध एकदम बच्चा में ठीक ठाक होता है, कुछ इधर उधर कुछ नहीं चाहिए, कुछ कम भी नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा भी, एकदम सही। ये नेचर का आशीर्वाद है, वो जानता है ये हमारा बच्चा के लिए सही है, माँ का बच्चे के लिए सबसे सही है। इसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज होता है मदर्स मिल्क के, पहला जो स्पेशली पहला जो दूध निकलता है जो येलो मिल्क, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें बहुत लाइसोजाइम्स यानी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन बहुत रहता है, इट्स एंटी इन्फेक्टिव, इट्स ए नेचुरल सोर्स ऑफ इम्यूनिटी। देखा गया है ब्रेस्ट मिल्क में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज रहता है, जिस बच्चा को ब्रेस्ट मिल्क पीता है उसको एलर्जी कम होता है, आर्टिक्रिया कम होता है लेटर ऑन। ये इकोनॉमिकल है, पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट। साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है यानी कि बंधन है माँ से, एक तो सुंदर सा बंधन होता है, माँ और बच्चे का प्यार का बंधन बहुत सुंदर सा है। और क्या होता है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक काम भी करता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, हम अभी समझाया बच्चा तो माँ का दूध पी रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद हम धीरे धीरे दूसरा खाना, थोड़ा सा सेमी सॉलिड जो भी खाना, एनिमल फूड, बाहर का फूड विथ ब्रेस्ट मिल्क, हम जो थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे, उसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अचानक अचानक नहीं खिलाएंगे, धीरे धीरे, लेकिन उसका ऊपर निर्भर करेगा स्टमक साइज और कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड। ये पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए एक जो पॉरिज बनाया, पॉरिज एकदम पतला बना है, टू थिन, बहुत पतला, जैसे कि हम चम्मच को हिलाया गिर रहा है पॉरिज, इसमें यानी इसमें ज्यादा पानी इस्तेमाल किया गया है, ज्यादा पानी इस्तेमाल किया, साइज तो छोटा होता है स्टमक साइज बच्चा का, 200 ml होता है बच्चे का साइज, तो क्या होगा, तो बच्चे में तो भर जाएगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगा, इट विल बी फिल्ड अप विद वाटर ओनली, सो बच्चा को कोई एनर्जी रिच फूड नहीं, हमको चाहिए एनर्जी डेंस फूड फॉर एवरीबॉडी, तो नहीं मिलेगा। अगर हम लोग ठीक बनाया, बहुत ठीक बनाया, ऐसे भी हो हम लोग टिल्ट करेंगे, नीचू करेंगे, तब भी नहीं जाएगा, तो मुश्किल है, तो बच्चा निगलना नहीं सकेगा, तो जस्ट राइट होना चाहिए। ये है जस्ट राइट, दाहिने तरफ हम देखेंगे ये जस्ट राइट, देखिए एक तो टिक मार्क है, वो जस्ट राइट है। क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, हम लोग कॉम्प्लीमेंटिंग तो देंगे, कितना क्वांटिटी है, क्या खाना देंगे, 6 महीने में हम लोग सॉफ्ट पॉरेज या मैश फूड दे सकते हैं, विल मैश फूड देंगे, फ्रीक्वेंसी 2 बार 2 टाइम्स देंगे, ब्रेस्ट मिल्क सब में जारी है, 2 चम्मच देंगे और 2 to 3 tablespoons देंगे, 7 से 8 महीना मैश फूड देंगे 3 to 3 times पर देंगे, और इंक्रीजिंग कितना बार देंगे, 2/3 ऑफ 250 ml कटोरी में का देंगे, 9 to 11 months देंगे, हम लोग मैश फूड देंगे और बेबी कैन पिकअप जो फूड वो भी देंगे, देंगे 3 meals प्लस 1 snack या 2 biscuits दे सकते हैं प्लस ब्रेस्ट फीड, 3/4 ऑफ दैट सेम कटोरी हम लोग दे सकते हैं, 1 से 2 1 year to 2 year हम लोग देंगे खाना फ्रॉम फैमिली पॉट, फैमिली जो खाते हैं बच्चे भी वही खाना खाएंगे, 3 meal दे सकते हैं प्लस 2 snacks दे सकते हैं बिटवीन मिल्स प्लस ब्रेस्ट फीड्स।
और वन फुल 250 ml कटोरी देंगे। फूड डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम काफी बोल चुके हैं। अब स्लाइस देखिए कितना कलरफुल है, सब तरीके का खाना है। जैसे कि हमारा इंड भारत वर्ष है, ए अनेकता में एकता है, सब प्रदेश का लोग हैं, सब कितना भाषा भाषी है, लेकिन हम लोग सब एक है, हम लोग भारतवासी है। वैसे कितना डिफरेंट खाना है, देखिए लाल, नील, पीला, सादा, कितना कितना कुछ है, लेकिन सबको हमको लेना है। थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमम खाना देंगे फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, इसी को फूड डाइवर्सिटी। अगर हम बोलेंगे हम सप्लीमेंट से खा लेंगे, सप्लीमेंट से खाली एक तरीका का आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा, अगर हम खाना से वो मिलता है तो डिफरेंट तरीका का, डिफरेंट तरीका का जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमको मिलता है। इनहेंसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स, हम लोग जो खाना खा रहे हो तो अच्छा ही है, जो पेशेंट को खाने बोल रहे हैं वो तो अच्छा ही है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसको बढ़ाएंगे कैसे? बहुत इजी है हम लोग बनाने के लिए। हम लोग अगर पॉरिज बनाए, हम लोग पानी से नहीं दूध से बनाएंगे, हम लोग उसमें चीनी, गुड़, घी, मक्खन, तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज्यादा फैट दे सकते हैं। स्प्राउट्स बनाएंगे, जो अंकुरित दाल होता है ना, उसको हम लोग मैश करके भिगो के रखेंगे, हम लोग दाल को नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखे अंकुरित हो गया उसको दे सकते हैं। यानी जो पीनट्स है, पीनट्स को हम लोग ड्राई रोस्ट करके उसको पाउडर बना के खाने में मिला सकते हैं, उससे भी वो न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अगर नमक चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, आयोडाइज सॉल्ट यूज कर सकते हैं आयरन के लिए। सो सब में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर जो असेसमेंट है वो हम लोग करते रहेंगे फॉर असेसिंग ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। हम लोग कैसे करते हैं असेसमेंट, हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं, वो है बॉडी वेट देखेंगे, हाइट 2 साल का हाइट देखेंगे, लेंथ देखेंगे, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस देखेंगे, और वो स्टैंडर्ड एंड कट ऑफ से कंपैरिजन करेंगे, तब पता चलेगा हाइट वेट कैसे चल रहा है। इसका मतलब है कि वो नॉर्मल ग्रोथ करे, अगर ग्रोथ नॉर्मल ना करे तो उसका मतलब कोई मुश्किल हो रहा है। तो इसे ये हम और भी जान सकते हैं, अगर ग्रोथ चार्ट में हम लोग इसको प्लेस करें, प्लॉट करें, तब वेट एंड हाइट चार्ट में हम लोग प्लॉट करें, तब पता चलेगा ग्रोथ फॉल्टरिंग कुछ है या नहीं। तो जल्दी जल्दी हम उसको इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बीमार ना हो पाए। वेट हम कब कब करेंगे, एवरी विजिट टू द ईआरटी सेंटर करेंगे, लेंथ 2 ईयर्स के नीचे में एवरी 3 मंथ्स, हाइट 2 साल से ज्यादा एवरी 3 मंथ करेंगे, 2 to 5 ईयर्स, एवरी 6 मंथ्स करेंगे, मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एज, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस करेंगे फॉर न्यूट्रल स्टेटस जहां पे हाइट रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। ये है ग्रोथ चार्ट। अगर हम देखें, जो -2 से 2 है, जो रेड में है, ग्रीन है मीडियन, वो है एवरेज वैल्यू। सो -2 से +2 वो है नॉर्मल, वो है नॉर्मल, है नॉर्मल रेंज। -2 से -3 में वो है अंडर न्यूट्रिशन, और -3 का नीचे जाएगा तो वो है सीवियरली अंडर न्यूट्रिशन। सेम विथ फीमेल गर्ल चाइल्ड, ये है ग्रोथ असेसमेंट, बर्थ 2 5 ईयर्स ऑफ एज, ये है जो 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज, हम लोग इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से बीएमआई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। WHO क्लासिक न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन स्टेटस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एसडी स्कोर यानी मीडियन देखेंगे हम लोग, 0 to -2 SD, हाइट फॉर लेंथ फॉर एज इज नॉर्मल, वेट फॉर इज नॉर्मल एंड वेट फॉर हाइट इज नॉर्मल, -2 SD to -3 SD होगा स्टंटेड, अंडरवेट एंड वेस्टेड, बिलो -3 SD इज सीवियरली स्टंटेड, सीवियरली अंडरवेट एंड सीवियरली वेस्टेड। ये 3 किस्म का ग्रोथ चार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये ग्रोथ वेलोसिटी हमको दिखा रहा है। पहला वाला ग्रोइंग वेल, जहाँ पे एक तो जो ग्रीन में है वो ऊपर जा रहा था, ग्रोथ कम ऊपर जा रहा था, बीच में थोड़ा सा स्टैग्नेंट हुआ, लेकिन उसके बाद पिकअप कर लिया, ग्रोथ वेलोसिटी अच्छा है, ग्रोइंग अपवर्ड्स, एंड मदर को मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, बोलेंगे ऐसे ही खिलाते जाओ बच्चा को। सेकेंड वन इज ग्रोथ का फ्लैटनिंग या स्टैग्नेंट हो गया, इसका मतलब कुछ मुश्किल तो है, ऊपर नहीं जा रहा है बच्चा का चार, तो हम लोग तुरंत इस्तेमाल करेंगे, अगर तुरंत इस्तेमाल करें इंटरवीन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इंटरवीन करेंगे तो मुश्किल नहीं तो मुश्किल बढ़ जाएगा। सो हमको याद रखना जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज
लूजिंग वेट, आप देखिए स्टैग्नेंट से वो लूज कर रहा है, नीचे आ रहा है, बॉडी वेट कम रहा है, ये और भी मुश्किल हो गया। हमको तुरंत करेंगे बच्चे को, हमको साल्वेज करना है उसका हाइट, उसका जिंदगी साल्वेज करना है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस वापस कर लेना है सब जगह में। ग्रोथ असेसमेंट हम लोग वेट फॉर इंडिकेट है, वेट फॉर एड इंटरप्रिटेशन है, ये एथलीट और क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन के बारे में बताता है। माइनस टू जेड जेड स्कोर इज अंडरवेट, बिलो माइनस थ्री जेड स्कोर इज सिवियरली अंडरवेट। लेंथ यानी हाइट फॉर एज इज, इट मीन्स क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन, हाइट इज मीन्स ऑलवेज क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन, जिसका हाइट है माइनस टू जेड स्कोर विच इज स्टंटेड, बिलो माइनस थ्री जेड स्कोर इज सिवियरली स्टंटेड। वेट फॉर लेंथ और हाइट मीन्स अक्यूट मैलन्यूट्रिशन, जो बच्चा का बिलो माइनस टू जेड स्कोर है वो है वेस्टेड, बिलो माइनस थ्री जेड स्कोर है सिवियरली वेस्टेड। मीन अपर हम सरकमफेरेंस लोग तभी करेंगे, ये एक्यूट मैलन्यूट्रिशन का एक तो इंडिकेटर है, जब बच्चा वेट एंड हाइट कैन नॉट बी टेकन, फॉर एग्जाम्पल बेड रिटन। और बॉडी मास इंडेक्स हम लोग बोल चुके हैं, जो बच्चा बड़ा है, बड़ा आदमी के लिए अब 5 डेज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एच आई वी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर, WHO क्लासिफिकेशन है। हम लोग चार भाग में, चार श्रेणी में हम लोग भाग कर सकते हैं। एक तो है सीवियर मैलन्यूट्रिशन, पुअर वेट गेन, ग्रोइंग अप्रोप्रिएटली, कंडीशन विथ इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड्स। इसका मतलब क्या है? साइंस सीवियर मैलन्यूट्रिशन अंदर में कौन आता है? साइंस ऑफ सीवियर विजिबल वेस्टिंग, दोनों पैर में सूजन हो जाना, वेट फॉर हाइट कम 5 ईयर्स से ज्यादा हो गया तो माइनस थ्री जेड स्कोर होगा, अगर पुअर वेट गेन है तो रिपोर्टेड वेट लॉस है, वेरी लो वेट है, अंडर वेट है, ग्रोथ का फ्लैटनिंग है, ग्रोइंग अप्रोप्रिएटली मतलब चाइल्ड इज गेनिंग वेट विच इज मोर देन माइनस टू एस डी, और उसका ग्रोथ चार्ट भी गोइंग अपवर्ड्स, क्रॉनिक लंग डिजीज, टीबी और पर्सिस्टेंट डायरिया और अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और मैलिगनेंसी, उसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन विथ इंक्रीज न्यूट्रिशन नीड्स। और सबको न्यूट्रिशन का बारे में ध्यान देना होगा, खाली काउंसलर्स नहीं देंगे, काउंसलर्स, नर्सेस, अदर पैरामेडिक्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, दे शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू न्यूट्रिशन एज वेल। इन जनरल ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो है, इन जनरल एचआईवी इंफेक्टेड एंड नॉन इंफेक्टेड चिल्ड्रन आर सेम, खाली याद रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग पहले 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम कराएंगे, जो बच्चा है असिम्टोमेटिक तो 10% ज्यादा और सिम्टोमेटिक तो 20 to 30% ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग 2 ईयर्स तक कर सकता है, लेकिन मम्मी को, माँ को एआरटी का अंडर रहना चाहिए, गुड विद गुड एडवरेंस। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग सेम 6 महीने से शुरू करेंगे धीरे धीरे, और क्वांटिटी क्वालिटी फर्क हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज करेंगे एज एज द चाइल्ड ग्रोस। ऑल चिल्ड्रन नीड एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग सही तरीका का खाना देना पड़ेगा। सब बच्चा का हाई मेटाबॉल इन्फेक्शन है तो हाई मेटाबॉलिक डिमांड होगा, इसलिए खान हम लोग को एनर्जी रिच फूड देना पड़ेगा, एनर्जी रिच डेंस फूड देना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑपरचुनिक इन्फेक्शन के लिए हमको याद रखे, उसको भी सिम्टोमेटिक सोच के हम लोग 20 to 30% ज्यादा देना पड़ेगा, ये भी याद रखना जरूरी है। और टोटल एनर्जी नीड्स ऑफ एच आई वी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन, ये जो चार्ट है इसमें है, सब उम्र का चार्ट दिया हुआ है। पहला कॉलम है उम्र के बारे में बोला है, डेली एनर्जी नीड्स ऑफ एच आई वी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट कॉलम है एच आई वी इन्फेक्टेड एंड असिम्टोमेटिक चिल्ड्रन, 10% एडिशनल एनर्जी। एच आई वी इन्फेक्टेड एंड पुअर वेट गेन एंड अदर सिम्टम, उसमें 20% एडिशनल एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम है सिवियरली मैल नरिश एंड एच आई वी इन्फेक्टेड पोस्ट स्टेबिलाईजेशन, उसमें 50 to 100% एडिशनल एनर्जी चाहिए। ये तो याद नहीं रहना है, तो इसको चार्ट बना के हम लोग सेंटर में रख सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज एनर्जी, हम लोग क्या करेंगे, 6 to 11 months, 6 to 11 months हम लोग जो असिम्टोमेटिक है 10% एडिशनल एनर्जी, हम उसके लिए 2 चम्मच एडिबल ऑयल दे सकते हैं, 1 चम्मच शुगर दे सकते हैं पॉरेज में या खाने में। और जो 20 to 30% सिम्टोमेटिक है, जो ज्यादा एनर्जी देंगे, उसके लिए 2 चम्मच एडिबल ऑयल, 1 to 2 स्पून ऑफ शुगर, और 2 बार देंगे।
और 12 to 23 मंथ्स है, उसके लिए हम लोग देंगे दो चम्मच तेल, दो चम्मच शुगर पॉरेज के लिए, मीडियम साइज बनाना दे सकते हैं। और जो सिम्टोमेटिक है उसके लिए एक्स्ट्रा कप ऑफ फुल क्रीम मिल्क दे सकते हैं, 1 teaspoon ऑफ शुगर दे सकते हैं, 2 इडली या 2 बटर ब्रेड दे सकते हैं, 2 से 5 साल हम लोग मिल्क दे सकते हैं, मिष्टी दोई दे सकते हैं, एक्स्ट्रा रोटी दे सकते हैं, एक पराठा दे सकते हैं, जो सिम्टोमेटिक है 2 पूरी दे सकते हैं, वेजिटेबल दे सकते हैं, 1 कप ऑफ पॉरी 2 चिक्की दे सकते हैं। फॉर सिविली मैलनरिश हम लोग 50 to 100% देना है, वो नेशनल फीडिंग गाइडलाइंस फॉलो करना है। 6 to 9 ईयर्स में हम लोग देंगे सिम्टोमेटिक में एक्स्ट्रा कप ऑफ फुल क्रीम मिल्क, एक ऑमलेट और एक एक्स्ट्रा रोटी विद वेजिटेबल। जो सिम्टोमेटिक है उसके लिए एक्स्ट्रा कप ऑफ मिल्क प्लस 1 वेजिटेबल और 2 पराठा विद दही और हलवा और पोहा। और 10 to 14 ईयर्स के लिए एक रोटी, लंच एंड डिनर विद वेजिटेबल, एक डोसा, सांबर और स्टफ पराठा, यानी और सिम्टोमेटिक में ऑमलेट एंड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, स्टफ पराठा एक कप में। बेसिकली ये आप खुद सोच सकते हैं पेशेंट क्या है, पेशेंट का फैमिली में क्या है, वैसे वो खाना बना सकता है। तो एनर्जी नीड्स ऑफ एचआईवी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन एज पर न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या है, ग्रोइंग वेल एंड सिम्टोमेटिक 10% एक्स्ट्रा एनर्जी, पुअर वेट गेन है, इंक्रीज एनर्जी नीड्स 20 to 30% एनर्जी नीड्स, एक्स्ट्रा कैलोरी नीड पर बैलेंस डाइट देंगे। सपोर्टिव मेजर क्या है, हम लोग तो खाने से ही देंगे, फूड डाइवर्सिटी याद रखेंगे, RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस, लेकिन कभी कभी बाहर से सप्लीमेंट देना जरूरी है अगर खाने से नहीं मिलता है। हमारा गवर्नमेंट का जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, जैसे कि विटामिन है, IFA है, वो सब पालन करना चाहिए। विटामिन है एवरी 6 मंथ्स फॉर चिल्ड्रेन अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज इन द डोज, हर बच्चा को 1 साल बाद हर 6 महीना एल्बेंडाजोल को 400 mg का एक तो सिंगल डोज देना जरूरी है। कोर ट्राइमोक्सोजोल प्रोफाइलेक्सिस देना है 6 वीक्स से फॉर बोथ HIV एक्सपोज एंड इन्फेक्टेड चिल्ड्रेन। रिसेंट हिस्ट्री ऑफ डायरिया हो जो बच्चा को, उसके लिए हम जिंक 20 mg डेली देंगे फॉर 2 वीक्स, एंड फूड भी ख्याल करके देंगे, हाइजीनिक के लिए फूड बनाएंगे वो भी हमको माथा में रखना जरूरी है। इनकरेज बच्चा को खेलना चाहिए, बच्चा को एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज करना जरूरी है, मन को भी खुशी देना जरूरी है, और बच्चा का जो टीकाकरण है इम्यूनाइजेशन वो भी देखना चाहिए। फीडिंग ए चाइल्ड ड्यूरिंग इलनेस, बच्चे को बहुत मुश्किल है, जब बच्चे को बीमार होता है खा नहीं सकता बच्चा, चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चा को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चा को हम लोग कंफर्टेबल करेंगे, बच्चे को स्टेबल करेंगे, बच्चे को सब पेशेंटली पेश आएंगे, धीरे धीरे खिलाएंगे, प्यार से बात करेंगे बच्चा को, थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, एंड बच्चा जो खाना मांगता है वैसे ही खाना खिलाएंगे, हम नहीं बोला तुमको ये खाना ये खाओ, बच्चा जो खाना खाना चाहता है वैसे ही खाना बनाएंगे, वैरायटी ऑफ खाना बनाएंगे, फूड डाइवर्सिटी, और एक्स्ट्रा फ्लूइड भी देना है। और याद रखना चाहिए बच्चा का ये प्लेजरेबल हो, ये कोई पनिशमेंट नहीं, ये कोई शास्ति नहीं है, ऐसे ही होना है, अरे बच्चे को खुशी रखो, खुशी रखने से बच्चा खुद ही खाएगा, हंसी मजाक करो, स्टोरी बोलो, बच्चा खुद ही खाएगा। न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस, एक्स्ट्रा खाना चाहिए, भूख भी नहीं लगता और ऊपर से एनर्जी भी लॉस होते, इसलिए हम लोग फूड को फोर्टिफाइड बनाएंगे, चीनी ऐड करेंगे, घी, बटर, तेल सब ऐड करेंगे, मिल्क में हम लोग व्हीट, राइस, सूजी ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे, नट्स को ग्राउंड करके पाउडर बना के खाने में देंगे, सब भजिया देंगे, स्प्रिंकल क्रिस्पी अनियन हम लोग बोल चुके हैं। सो फीडिंग ए चाइल्ड ड्यूरिंग रिकवरी एंड सब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मिल, थोड़ा ज्यादा मिल, थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट, थोड़ा सा ज्यादा रिच फूड, थोड़ा सा और भी धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग और एक्स्ट्रा फूड फ्लूइड, लेकिन हम इसका साथ बोलते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लव, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार होना चाहिए, मम्मी जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार दे तो बच्चा खुद ही खा लेगा सर। सो एक तो मम्मी का प्यार जो होता है ना वो मैजिक का काम करता है, सो एक्स्ट्रा प्यार, थोड़ा सा ज्यादा ही प्यार दो, स्पेशली उस टाइम में, सो एक्स्ट्रा प्यार दीजिए। नेक्स्ट है कीप योरसेल्फ एंड चारों तरफ साफ सुथरा रहना चाहिए, पानी साफ सुथरा, खाने का बर्तन साफ सुथरा, जो रॉ फूड है और कच्चा खाना और कुक फूड एक साथ होना जरूरी नहीं है, हाथ धोना चाहिए बार बार, अगर आप टॉयलेट में गया आकर हाथ धोना चाहिए, खाने को जैसे वैसे
रखना नहीं चाहिए, इसको कवर करना चाहिए, ठीक टेम्परेचर में रखना चाहिए, नहीं तो जर्म्स हो जाएगा. आर यू सेफ वाटर? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द सेशन. एंड थैंक यू सबको, बहुत बहुत खुशी एंड शुभकामनाएं. स्पेशली सबको हम बोलना चाहते हैं हैप्पी बैसाखी, हैप्पी गुड़ी पड़वा, हैप्पी बिहू, हैप्पी उगादी, हैप्पी पोइला बोईशाख. ऑल ऑफ यू रिमेन हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ईच वन. फिर मिलेंगे हम कभी. थैंक यू श्वेता मैम. थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन. किसी के कोई भी सवाल हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, माइक अनम्यूट कीजिए या तो फिर आपका सवाल चैट बॉक्स में डाल दीजिए. माइक आइकन आपके लेफ्ट हैंड साइड बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे है. आप माइक अनम्यूट करके न्यूट्रिशन के बारे में आपको कोई भी सवाल पूछना हो, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछना हो, तो प्लीज माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. Any questions? Sir, I don't think there are any questions. किसी के कोई भी सवाल हो तो आप PCOE MCH से कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप हमें भी लिख सकते हैं at dlcsinfo@itechindia.org and we'll be happy to forward the questions to sir and get them answered. And Swetha ma'am, जी I sir. Thank Kiran sir as well. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone, for patient listening. We'll conclude the session now. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you.